सीक्रेट प्लान बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग बैड और इलीगल, ये डेफिनेशन है कॉन्स्पिरेसी की या षड्यंत्र की। उदाहरण के लिए हम अभी समझ सकते हैं जो रिसेंटली मैंने देखा यूट्यूब में चल रहा है, जैसे मनोज दे के खिलाफ बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं, एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, उनको मास रिपोर्टिंग कर रहे हैं बहुत सारी ताकि उनका चैनल डाउन हो जाए, तो ये एक प्रकार से इलीगल है और मनोज दे ने इसके लिए एक्शन भी लिया है। जहां तक मुझे पता उन्होंने साइबर टीम को भी सूचित किया है और साथ में एक FIR भी रजिस्टर करने का उनकी प्लानिंग चल रही है। सो गाइस, जस्ट अभी मैं एयरपोर्ट से, मतलब मेरे को क्रेजी भाई लेके आया है क्योंकि मैं कल शाम को चला गया था और अभी टाइम हो रहा है, आप देख सकते हो 5:08, जस्ट अभी आया हूँ। तो अभी ना मैंने मुंह धोया, ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, सबसे पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ। और कहाँ गया था ये आपको वीडियो में भी पता लग जाएगा, कोई इशू नहीं है ऐसा। मेरे को दिल्ली से एक कॉल आया था, मैंने नंबर भी शेयर किया हुआ है भाई का, तो वो किसका है वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। मैंने उस पर केस किया और मनोज भाई भी केस कर चुके हैं भाई, IPS 120B की धारा। बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई कि ये जो आप कर रहे हो, मास रिपोर्टिंग कर रहे हो या बहुत सारे ग्रुप बना के आप काम कर रहे हो, ये सोशल मीडिया ये सब कुछ, इसमें कोई केस वगैरह नहीं होता, इसमें कोई साइबर की कंप्लेंट नहीं होती है भाई। 120B की IPS की धारा जो होती है ना, मैं आपको एक बार गूगल करके सुना देता हूँ, हिंदी में सुनाऊँगा भाई, आपको अच्छे से समझ लग जाएगा। भारतीय कानून और IPC धाराएं के मुताबिक, प्रश्न, IPC की धारा 120B क्या है? उत्तर, IPC की धारा 120B आपराधिक साजिश से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपराध करने के लिए सहमत होते हैं और उनमें से कोई भी उस समझौते को आगे बढ़ाने में कोई कार्य करता है, तो उन सभी को उसी सजा से दंडित किया जाएगा जैसे कि उन्होंने स्वयं अपराध किया हो। तो भाई आपको शायद समझ लग चुका होगा कि IPS 120B की धारा कौन सी होती है और किस तरह से आप पे एक्शन लिया जा सकता है और किस तरह से एक एक को घर से उठाया जा सकता है। भाई मैं क्यों बोलता हूँ इस चीज़ के बारे में कि भाई साइबर, ये फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स होती है वो कैसे रिमूव होती है, साइबर कंप्लेंट की वजह से होती है भाई। अगर आप इस तरह से फेक स्ट्राइक दोगे या कुछ भी आप लीगल एक्शन लोगे, क्योंकि यार आजकल यूट्यूब पे बिजनेस हो चुका है, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, यूट्यूब पे पैसा कमा रहे हैं लोग, अपना चैनल बना के टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप उनकी मेहनत पर स्ट्राइक दे देते हो, वो चुप थोड़ी बैठने वाले हैं। जितना पैसा लगाया होगा बंदा कहेगा मैं तेरे को अंदर करा दूंगा, यही चीज़ होती है। इसलिए आज मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, शायद क्रेजी भाई ने वीडियो अपलोड कर दी होगी और वहाँ पे आपको बता भी दिया था कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, जय हिंद।